गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत। आज हम 2021-22 प्रयास आवासीय विद्यालय के जो संशोधित सीट है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको पता चलेगा कि कौन से प्रयास आवासीय विद्यालय में आप जाएंगे तो कौन से फील्ड में आपकी वहां पढ़ाई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है कक्षा 11वीं एवं 12वीं में संचालित संकाय जिसका अध्यापन प्रयास आवासीय विद्यालय में कराया जाता है, उस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराने वाला हूं कि क्या क्या सीटें हैं और बॉयज के लिए कितनी सीट है, गर्ल्स के लिए कितनी सीट है और क्या सब्जेक्ट वहां पढ़ाया जाएगा। उस स्पेशल फील्ड के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर। देखिए, पहले तो इसमें समझ लीजिएगा कि जो सड्डू का प्रयास आवासीय विद्यालय है वहां टोटल 120 सीट है, सॉरी 200 सीट है। कितने सीट है? 200 सीट है। और उस 200 सीट केवल और केवल बॉयज के लिए है, गर्ल्स का कोई भी वहां सीट अवेलेबल नहीं है, ओनली बॉयज वहां पढ़ाई करते हैं। अब उसमें और एक चीज आप समझ लेंगे कि बॉयज तो पढ़ेंगे, उसमें कोई बायो लेकर नहीं पढ़ सकता है, अर्थात कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, केवल वहां मैथ्स फील्ड के लिए ही पढ़ाई होगी, अर्थात आप जेई मेंस और IIT के लिए वहां सेलेक्ट होंगे, उसी का अध्यापन वहां कराया जाएगा। तो ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए और ये काउंसलिंग के समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहाँ ले रहे हैं, कौन सी सीट आपको मिलेगी और कौन से फील्ड में आपको जाना है, वो सब डिसाइड करके आप उसमें काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आपका रायपुर में ही प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी रायपुर। तो नाम से स्पष्ट है कन्या है, अर्थात यहाँ गर्ल्स लोग पढ़ेंगे और केवल बायो वाले बच्चे ही जो नीट और डॉक्टर फील्ड में या मेडिकल फील्ड में जो भी आप करना चाहते हैं उन सबसे संबंधित कोर्स की तैयारी वहां कराई जाएगी आपको। यहां मैथ्स वाले बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं और यहां केवल और केवल गर्ल्स पढ़ेंगे और सीट है 155। ठीक है, 155 सीट अवेलेबल है गुढ़ियारी में केवल और केवल लड़कियों के लिए। ठीक है, तो जब भी आप काउंसलिंग कराए तो ध्यान देंगे सब चीजें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना बॉयज गर्ल्स के लिए ST SC OBC जनरल ये सब सीटें हैं। तो इसमें पहले यही समझिए कि कौन कौन से विद्यालय हैं और कहाँ हैं और उसमें कितने सीटें हैं और कौन सा कोर्स का पढ़ाई वहां कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर। चूंकि बिलासपुर में क्या है, हाई कोर्ट है, तो इसलिए यहां केवल वाणिज्य अर्थात कॉमर्स एवं आर्ट्स कला समूह, तो जो कला समूह और कॉमर्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल है प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर। पूरे छत्तीसगढ़ में केवल और केवल आर्ट्स या कॉमर्स में यदि कोई भी बच्चा जाना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर में ही पढ़ाई कर सकता है, अदरवाइज और कहीं आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, यहां यदि आप मैथ्स और बायो के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको कोई भी सीट यहां नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितने कितने सीटें हैं। तो जो कला समूह और कॉमर्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल विद्यालय है, अर्थात अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो बच्चे बॉयस हैं अर्थात बालक हैं वे वहां कॉमर्स लेकर पढ़ाई करेंगे। यदि आप कॉमर्स नहीं लेना चाहते हैं तो आपको सीट नहीं मिलने वाली है, तो आपके लिए वहां बाध्यता है कि आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा।
और कॉमर्स लेके की पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉमर्स मतलब वहां आपको तैयारी कराया जाएगा बैंकिंग के फील्ड में, जितने भी उसके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सब की तैयारी वहां कराई जाएगी आपको। रही बात गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए क्लैट की तैयारी वहां कराई जाती है, जिससे बच्चे भविष्य में वकील, जज, ये सब की तैयारी करेंगे। कैसा उसका प्रिपरेशन होता है वो सब की तैयारी कराएंगे और भविष्य में आप जज और वकील बनकर भारत और प्रदेश का सेवा करेंगे। तो ये रही आपको बिलासपुर की बातें। अभी अब इसमें थोड़ा और ऐड करता हूँ कि सीट कितना होगा। तो सीट है इसमें कॉमर्स के लिए, अर्थात कॉमर्स मतलब बॉयस, उनके लिए है 75 सीट। समझ रहे हैं ना आप लोग कि कॉमर्स फील्ड में यदि जाना चाहते हैं तो केवल बॉयस ही जा सकते हैं और उनके लिए 75 सीट है ओनली। और गर्ल्स के लिए है 50 सीट, केवल और केवल 50 सीट। टोटल अगर आप मिलाएंगे गर्ल्स और बॉयस करके तो 125 सीट वहां अवेलेबल है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो गर्ल्स के लिए सीट है 50, वो केवल और केवल कला समूह के लिए, जो क्लैट का पढ़ाई करना चाहते हैं वैसे बच्चों के लिए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग। तो ये भी सेम रायपुर जैसा ही है, लेकिन सीट जो है वो कम है। यदि आपको पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीट यदि प्रयास के लिए मिलेगा तो आपको रायपुर में मिलेगा, चाहे आप बॉयज की बात करो या गर्ल्स की बात करो। दुर्ग भी सेम अध्यापन वहां मैथ्स और बायो वाला होगा, लेकिन सीट जो है वो कम है। तो देखते हैं कितने सीट है यहाँ। यहाँ बॉयज के लिए जो सीट है बायोलॉजी ग्रुप में, यहाँ थोड़ा फील्ड उसका चेंज हो गया है, यहाँ जो बच्चे बॉयस होंगे और वो पढ़ाई करेंगे उनके लिए बाध्यता है कि आपको बायो लेकर ही पढ़ाई करना पड़ेगा और उनके लिए 75 सीट है। वहीं गर्ल्स के लिए जिनको मैथ्स लेकर वहां पढ़ाई करना पड़ेगा उनके लिए केवल 50 सीट है। तो ये सब संशोधित सीटें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। टोटल 125 सीट अवेलेबल है दुर्ग में। और रायपुर के बाद यदि कोई टॉप का प्रयास स्कूल है तो वो दुर्ग है। ऐसे तो सारे प्रयास आवासीय विद्यालय बेहतरीन है, लेकिन फिर भी एक रहता है ना कि हमको रायपुर में जाके पढ़ना है, तो रायपुर की पढ़ाई तो एकदम शानदार है। उसके बाद आता है सेकंड में आपका दुर्ग, क्योंकि कई बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर हमको रायपुर में ही सिलेक्शन करना है। तो बेटा रायपुर सिलेक्शन करना है तो आपको टॉप 20 में आना ही होगा, चाहे आप कोई भी कैटेगरी को, ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल हो, यदि आप टॉप 20 में नहीं आते हैं तो आपका सिलेक्शन संभव नहीं है, है ना। ST के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है दायरा, बात अलग है, उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कितने सीट है और किस टाइप की वहां व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय बस्तर। तो यहां ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है, ये बच्चों के लिए खुशखबरी है कि कोई भी पाबंदी नहीं है, चाहे आप बॉयस हो चाहे गर्ल्स हो, अपने मन पसंद से आप सब्जेक्ट वहां चॉइस कर सकते हैं और बिंदास होकर वहां पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल और केवल मैथ्स और बायो इसी में आप चॉइस कर सकते हैं, दो ही चीज आपके पास, या तो मैथ्स लीजिए या तो बायो ले लीजिए, ठीक है। तो इसी में से आपको चुनाव करना पड़ेगा। आर्ट्स और कॉमर्स की कोई भी फील्ड की पढ़ाई यहाँ नहीं होगी, केवल और केवल बिलासपुर में होगा, ठीक है। तो देखिए बस्तर के लिए बॉयज की जो सीट है वो है 75 और गर्ल्स के लिए है 50। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 125 सीट यहाँ भी अवेलेबल है। इसके बाद है अंबिकापुर, ये भी अच्छा है। बस्तर में मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, वहां मेरा पढ़ाया कोई भी बच्चा वहां सेलेक्ट नहीं हुआ है। मेरे यहाँ बच्चे ज्यादातर रायपुर में, कुछ बच्चे दुर्ग में और कुछ अंबिकापुर में, ये तीन ही सेक्टर में, कुछ जो एक दो बच्चे बस हैं जो बिलासपुर में पढ़ाई किए हैं, बाकी जितने जो बच्चे हैं वे सब रायपुर, क्योंकि सबसे बेस्ट था वो, तो वहां जाके सब बच्चे मेरे पढ़ाई करते थे, तो उसका मुझे अनुभव है क्योंकि उनके द्वारा बताया गया है वो सब चीजें, क्योंकि वो वहां पढ़ाई किए हैं तो अपना जो भी अनुभव रहा है वो मेरे से साझा किए हैं और वही अनुभव मैं आपको साझा करता हूं।
ना, मैं वहां गया भी हूँ, वहां सब देख के आया हूँ। सड्डू का तो जो आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, इतना बेहतरीन बनाया गया है उसको। सड्डू का जो प्रयास आवासीय विद्यालय है, और गुढ़ियारी का भी कोई कम नहीं है, सब बेहतरीन है। चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे अंबिकापुर। अंबिकापुर में भी आपको मैथ्स और बायो के लिए ही मिलेंगे, तो वहां बॉयज की जो सीटें हैं वो 75 है और गर्ल्स की सीट है 50, मतलब टोटल जो सीट है वो है 125, 125 सीट वहां भी है। बॉयज के लिए 75, गर्ल्स के लिए 50। नेक्स्ट है आपका कांकेर, कोरबा और जसपुर। ये प्रयास में सबसे कम सीट है, और चाहे आप मैथ्स के लिए बोलो चाहे बायो के लिए बोलो, सबसे कम सीट ये तीन है प्रयासी आवासीय विद्यालय में आपको मिलेंगे। चाहे कांकेर की बात करो, चाहे कोरबा की बात करो, चाहे जसपुर की बात करो, है ना। जसपुर के लिए तो एक और है बढ़िया, संकल्प, है ना, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पढ़ाई करें वहां पढ़ाई करें तो दोनों ही अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जहां भी आपका सिलेक्शन हो रहा है आप जरूर एडमिशन ले लेंगे। चलिए देखते हैं, कांकेर में केवल बॉयस और गर्ल्स दोनों के लिए 50-50 सीटें हैं। कोरबा में भी सेम है, 50-50 बॉयज और गर्ल्स के लिए, मतलब टोटल करके 100 ना, 50-50। और जसपुर में भी सेम है, 50-50 सीटें बॉयज और गर्ल्स के लिए अवेलेबल है। तो ये तो रहे, एक एक क्रम से मैंने आपको बता दिया है कि रायपुर में कितना है, दुर्ग में कितना है, बिलासपुर में कितना है ना। ऐसे पूरे टोटल 9 प्रयासी आवासीय विद्यालय के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ कितनी सीटें हैं। तो आप काउंसलिंग के टाइम ध्यान रखेंगे, आपको जिस फील्ड की पढ़ाई करनी है उसी प्रयासी आवासीय विद्यालय में आप एडमिशन लेंगे। अब रही टोटल, तो टोटल जो है बेटा, टोटल जो सीट है सभी बॉयस और गर्ल्स मिला के 1155 सीट है, अर्थात 1155 लोगों को ही एडमिशन मिलेगा प्रयास आवासीय विद्यालय में। और बॉयज के लिए यदि हम बात करें तो 650 सीट है केवल, और गर्ल्स की बात करें तो 505 सीट है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे ही YouTube चैनल में इतने सारे बच्चे कमेंट्स किए हैं कि सर हमारा इतना नंबर आया, हमारा इतना नंबर आया, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो सब कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करेगा। और सीट आप देखेंगे तो सीट जो है वो बहुत ही कम है, बॉयज के लिए केवल 650 सीट है और गर्ल्स की बात करें तो 505 सीट है। और टोटल भी अगर बात करें तो 1155 सीट ही अवेलेबल है पूरे 9 प्रयास आवासीय विद्यालय मिलाकर। तो सीट जो है वो कम है, और जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया है, क्योंकि लगभग अभी उसका एग्जैक्ट फिगर तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, जैसे उसका रिजल्ट आता है तो आपको मैं बता पाऊंगा कि कितने बच्चे उसमें भाग लिए थे। फिर भी मोटा मोटी देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, उसमें से देखा जाए तो सीट जो है वो बहुत कम है ना। तो आपको यही समझाना था मुझे कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको कौन सा प्रयास आवासीय विद्यालय सेलेक्ट करना चाहिए काउंसलिंग के टाइम में, ये आपको मैं बताना चाहता था। आशा करता हूं कि मैं इसमें सफल होऊंगा, क्योंकि आप सभी मेरे साथ सहमत ही होंगे। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर से। उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, इनकी जो सीटें हैं वो क्रमवार कितने, आपके पास टोटल 9 प्रयास आवासीय विद्यालय हैं, उसमें से ओबीसी के, एसटी के, एससी के और जनरल की कितनी सीटें कौन से प्रयास आवासीय विद्यालय में अवेलेबल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक वीडियो और मैं शानदार आप सबके लिए लाने वाला हूं जल्द ही, वो भी क्रिएट करने वाला हूं कि कटअप, कई बच्चों को कटअप समझ नहीं आ रहा कि ये कटअप क्या होता है, कई बच्चों के लिए नया शब्द आ गया है कि यार ये कटअप क्या होता होगा, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं थोड़ा सा क्या है कि रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, समथिंग नेक्स्ट मंथ तक वो आ सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, बट कहीं सोर्स है हमारा तो उनसे हमको पता चला है कि कब तक आ सकता है। तो एक वीडियो में और लाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कटअप कितना जाएगा और
कैटेगरी वाइज कि उस विषय में हम बात करेंगे। पूरा कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कितना कट अप जा सकता है। एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम यहां है कि पूरे जितने भी बच्चे प्रयास में एग्जाम दिलाए होंगे वे सभी बच्चे हमसे जुड़े नहीं हैं, उसमें से कुछ बच्चे हमसे जुड़े हैं और वही कमेंट्स कर रहे हैं। तो यदि मैं उन्हीं का फाइनल मानूं तो भी आप देखेंगे, यदि आप भी कमेंट्स पढ़ते होंगे मेरे चैनल में, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं उनका जो नंबर है वो 50 से 75 तक आ रहे हैं, 70 बोल सकते हैं, है ना। कुछ बच्चों का 70 से 80 भी आ रहे हैं और एक आध बच्चों का 80 से ऊपर आ रहा है ना। तो मेन जो है आपको 50 से 70 75 तक ही आपका मेन कट ऑफ जाने वाला है। तो उसमें क्या है, जो सीट ज्यादा होगी तो फायदे होंगे, जैसे एसटी के बाद बहुत सारा सीट होता है, लगभग 53%। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा कि कितनी सीटें कहाँ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।